आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ जिनके लाइफ के डिक्शनरी में हार मानना था ही नहीं। ये कहानी है एडमायरल जिम स्टॉकडेल की। यूजुअली जो सक्सेसफुल कंपनीज होते हैं उस कंपनीज का भी कुछ ऐसा समय आता है जब वो कंपनी बुरे हालात या बुरे स्थिति से गुजरता है। उस दौरान भी जो कंपनी अपने काम के प्रति फेथ रखता है और डिसिप्लिन रखता है आगे चल के वही कंपनी प्रिवेल करता है। तो वापस आते हैं एडमिरल जिम स्टॉकडेल पे। एडमिरल जिम स्टॉकडेल यूएस के हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर थे। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको एविएटर विंग्स और कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर मिला था। इसके साथ ही साथ इनको 27 कॉम्बेट अवार्ड्स, 2 डिस्टिंक्ट फ्लाइंग कलर्स, 4 सिल्वर स्टार्स, 2 पर्पल हर्ट्स और नेवी के फर्स्ट 3 स्टार ऑफिसर थे। तो इनके लाइफ के जर्नी का बहुत ही छोटा सा मैं आपके साथ हिस्सा शेयर करने वाला हूँ। ये बात है 1965 की। 1965 में जब यूएस और वियतनाम का वॉर चल रहा था उसी दौरान जिम A4 स्काई हॉक जेट लेके वियतनाम के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे। नॉर्थ वियतनाम का वो सिटी का नाम था हैनोई जिसके ऊपर से जिम जेट से फ्लाई कर रहे थे और उसी दौरान जेट पे नीचे से मिसाइल लगा जिसके कारण जेट क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद जिम तो बच गए लेकिन वियतनामीज लोग उनको कैप्चर कर लिए और प्रिजनर ऑफ वॉर के तरह अपने जेल में भेज दिए। वो प्रिजनर ऐसा था जहाँ पे आपको अपने परिवार से मिलने का कोई उम्मीद भी नहीं था, ना ही कोई प्रिजनर का रिलीज डेट था और ना ही कोई प्रिजनर के पास राइट्स था। यानी कि वियतनामी सैनिक लोग अपने प्रिजनर से किसी भी तरह से बिहेव बर्ताव कर सकते थे और टॉर्चर कर सकते थे। तो धीरे धीरे जिम के साथ और अन्य सैनिकों के साथ टॉर्चर स्टार्ट हुआ। वियतनामी सैनिक लोग इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए अलग अलग टाइप का टॉर्चर करना स्टार्ट किए और जिम और उनके साथ पकड़ाए हुए काफ़ी अमेरिकन लोग का टॉर्चर स्टार्ट हुआ। इस टॉर्चर को वो किसी भी लेवल तक ले जाते थे और ऐसा कोई नियम नहीं था जिसमें इस टॉर्चर का भी एक लेवल मॉनिटरिंग किया जाए। जिम अपने 8 साल के प्रिजनर लाइफ में 27 बार टॉर्चर हुए हैं और एक बार ऐसा भी हुआ था जब जिम अपना ब्लेड से अपने बॉडी पे बहुत सारा कट्स लगा दिए थे जिसके कारण उनको कोई कैमरा पे रिकॉर्ड ना कर ले कि ये हम अपने प्रिजनर को कितने अच्छे तरीका से बिहेव करते हैं। तो हालात धीरे धीरे मुश्किल हो गई, ये टॉर्चर सहन करना बहुत लोगों के लिए असंभव हो गया। इसी दौरान जिम बाकी प्रिजनर से कम्युनिकेट करने के लिए एक टैपिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया, जैसे कि वो अपने प्रिजनर से डिस्कस कर लेते थे कि इतना टैप का ये मतलब है, इस टैप का ये मतलब है। और जिम को खत लिखना अलाउ था तो वो अपनी वाइफ को जो लेटर भेजते थे उसमें काफ़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कोडेड कोड करके भेजते थे जो वो और उनकी सिर्फ वाइफ समझ पाए। तो जिम का टॉर्चर ऐसे ही चलता चला गया। हम उस पेन को अपने लाइफ में समझ नहीं सकते अंटिल अनलेस उसको कभी लाइफ में फेस करें। जिस हालात से, जिस शारीरिक, मेंटली, फिजिकली, जिस प्रेशर से किसी भी वॉर प्रिजनर में एक प्रिजनर जो सहता है, इसी दौरान कुछ लोग मजबूत बन जाते हैं और कुछ लोगों की मौत निराशा से हो जाती है। लेकिन एडमायरल जिम स्टॉकडेल के डिक्शनरी में हार मानना था ही नहीं। वो हर टॉर्चर सहते चले गए, वो हर पेन बर्दाश्त करते चले गए और समय धीरे धीरे बीतता चला गया। आगे चल के 7 साल बाद उनका रिलीज़ हुआ और जब जिम के रिलीज़ होने के बाद उनसे ये सवाल पूछा गया कि जेल में सबसे ज़्यादा मुश्किल या सबसे ख़राब हालात किन लोगों का था, तो उन्होंने कहा ऑप्टिमिस्टिक लोगों के, आशावादी लोगों के, क्योंकि वो आशावादी लोग हर क्रिसमस के बाद ये उम्मीद करते थे कि जब अगला ईस्टर आएगा तो वो हो सके अपना ईस्टर अपने फैमिली के साथ बिता पाए। हर ईस्टर में वो ये उम्मीद करते थे कि अगला थैंक्सगिविंग जब आएगा तो वो अपने फैमिली के साथ होंगे, उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। हर थैंक्सगिविंग में वो ये सोचते थे कि अगला क्रिसमस आएगा और क्रिसमस वो अपने फैमिली के साथ बिताएंगे अगर उनको रिलीज़ कर दिया जाए। और ऐसे ही धीरे धीरे क्रिसमस, ईस्टर, थैंक्सगिविंग आते चला गया, जाते चला गया, लेकिन उनका कभी रिलीज़ नहीं हुआ। इसके कारण वो निराश होकर बहुत लोग टॉर्चर नहीं सह पाए और बहुत लोगों की जान चली गई। तो आगे चल के जिम से पूछा गया कि वो एक ऐसा क्या चीज़ था जिसके कारण आप सरवाइव कर गए और बाकी प्रिजनर धीरे धीरे दम तोड़ दिए। तो जिम कहते हैं, यू मस्ट नेवर कन्फ्यूज योर फेथ विथ होप दैट विल प्रिवेल इन द एंड विथ द होप दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज विथ डिसिप्लिन टू कन्फ्रंट द मोस्ट ब्रूटल फैक्ट्स ऑफ द करेंट रियलिटी वॉट एवर दे माइट बी। तो इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जिम ये बात मान चुके थे कि अगर हम अपने आप में होप रखें, आशा रखें कि अगले क्रिसमस में शायद मुझे रिलीज कर दिया जाए और मुझे घर जाने दिया जाए, तो ये आशा से मुझे निराशा ही होगी अगर मैं नहीं जा पाया। तो उनको ये तो पता था कि वो कभी ना कभी एक दिन ज़रूर आज़ाद होंगे उस प्रिजनर से, लेकिन वो अपना उस समय करंट रियलिटी जो उस दौरान उन्हें टॉर्चर आगे झेलना है, उन्हें उसी हिसाब से रहना है, वो इस बात को अपने माइंड में एक डिसिप्लिन के साथ, एक अनुशासन के साथ बैठा लिए थे कि जिंदा रहना है तो अभी मैं जैसे हूँ वैसे ही करते जाना है। ये टॉर्चर
होते रहेगा, मुझे सहना पड़ेगा, यही है मेरा करंट रियलिटी। लेकिन अगर मैं सहते रह गया तो एक दिन जरूर आएगा जब मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। तो आज इस कोरोना वायरस पैंडेमिक का भी 1 साल से ऊपर समय हो चुका है और हम नहीं बता सकते ये कब तक रहेगा। हर दिन, हर समय, हर वक्त, हर जगह डर का माहौल है। लेकिन जो अपना फेथ को बिलीव करता है कि हाँ हम जिंदा बचेंगे, हम आगे भी ज़िंदगी देखेंगे, वही लोग जिंदा बचेगा। जो होप में रहेगा कि नवंबर तक कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, जनवरी तक कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, यही वो लोग हैं जो ज़्यादा आशावादी हैं। इनका आशा धीरे 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 चकनाचूर हो जाएगा और ये निराशा से ही दम तोड़ सकते हैं। इसलिए आपको स्ट्रांग रहना है। गुंजन सक्सेना मूवी में पंकज त्रिपाठी एक बहुत अच्छा लाइन बोले हैं, जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, किस्मत उनका हाथ नहीं छोड़ता। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो आज का मेरा बुक रिकमेंडेशन है गुड टू ग्रेट बाई जॉन कॉलिंस। तो आगे चल के जिम स्टॉकडेल बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी किए और उनका टॉर्चर सहने का कैपेबिलिटी आगे चल के वो टीच किए पूरे वर्ल्ड को कि अगर आपको प्रिजनर बना लिया जाता है तो टॉर्चर सहने के लिए आपको अपने आप को मेंटली कैसे ट्रेन करना है। और इससे आगे चल के दुनिया में बहुत लोगों की मदद हुई। तो हम इस कहानी से मोरल यही समझते हैं कि अगर आप अपना काम करते जाए, ज़्यादा भी उम्मीद रखना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर उस उम्मीद पे आपका सपना खड़ा ना उतरा तो आपको ज़्यादा दुख होता है। मोर द एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू मोर डिसअपॉइंटमेंट्स। तो अगले वीडियो तक स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप ग्रोइंग। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।